सबसे बड़ी चीज़ जो आपको फेस करनी पड़ी जिसने आपको दुख दिया मॉडलिंग में वो क्या थी मॉडलिंग में मेरे साथ ये होता था कि जो मुझे कैंपेन्स मिल जाती थी ऐसा ऐसा हुआ है कि मेरा आ, जो एक कॉल टाइम है सुबह का दस बजे का और नौ बजे मुझे पता चलता है कि कोई भी रीज़न दे के और कि आउटफिट्स नहीं आए ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ और मेरे साथ ये काफ़ी दफ़ा हुआ कि वो पीछे से किसी और को जो है वो शूट में ले लिया तो ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा होती हैं और उस वक्त जब फर्स्ट टाइम हुआ तो मैंने कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है मैं तो मैं उसके लिए लॉक था और मैंने मेज़रमेंट्स दी हुई थी और एक तरह की प्रैक्टिस है ये तो कभी भी हो सकता है यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा धंधा है साहब जहाँ गम की आदत डालनी पड़ती है एक लड़का कॉन्फिडेंस से भरा हुआ क्योंकि यूनिवर्सल सी बात है ये एक टॉप मॉडल एक्टिंग का कहेगा तो उसको पहला तो हीरो ही ऑफर होगा ना पहला रोल आपको क्या ऑफर हुआ मुझे एक बहुत छोटा कैरेक्टर ऑफर हुआ था वो भी टेलीफिल्म में कितने सीन थे एंजेलिन मलिक की वो टेलीफिल्म थी आई स्टिल रिमेंबर कितनी गिरे बाकी हैं हां उसमें मेरे कुछ पांच सीन्स थे वाह 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 तो मतलब एक सीन पर फुट भी नहीं पाया बच्चों खड़े होके गोरशन अच्छा ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है आपने वो पांच सीन इस उम्मीद से कर लिए कि चलो यार तो प्रोसेस का हिस्सा है तेरे पांच सीन देखेंगे तो हीरो मिल जाएगा उसके बाद क्या हुआ उसके बाद दोबारा उसी टेलीफिल्म में आपको कुछ पांच छह सीन्स की और एक एक और करेक्टर मिल गया और उसके बाद क्या होता रहा और आ, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैंने कहा ये करने में नहीं आया है। आप एक छोटे छोटे करेक्टर्स ये वो आप सोचें कि मेरे जो कुलीग जो साथ में को मॉडल्स थे वो भी देखते थे और वो बड़ी हैरत करते थे जब मैं फैशन वीक वगैरह में होता था कि यार ये तुम किस तरह के करेक्टर कर रहे हो तुम छोटे छोटे एक तो मैंने कहा यार वो अब जाहिर सी बात है मेरे पास कोई पर्ची तो है नहीं कि ये बहुत बड़ी, बात है, है कि आप एक टॉप मॉडल है जी। कि आप जब रैंप पे आते हैं तो आप उस वक्त के जो टॉप थ्री हैं जो बड़े बड़े हैं उनमें कभी वो जीत रहे हैं कभी आप जीत रहे हैं जो टॉप थ्री में मुकाबला ही चलता है ना नहीं। वो आपको हैरत की नजर से देख रहे हैं ये क्या कर रहा है है बड़ी 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 तकलीफ की बात वैसी सॉरी और मैं बड़ा ऑनेस्टली लेकिन बड़े सबर के साथ पेशेंस के साथ मैंने कहा कितना कितना ही होगा और एक पॉइंट आया जब आई स्टार्ट गुड कैरेक्टर्स उसके बाद आई गेटिंग लीड रोल्स तो द होल जर्नी मैं मैं किसी भी चीज़ के लिए मैं ये नहीं करता मैं मैं ये कहता हूँ कि दैट वॉज अ लर्निंग प्रोसेस ठीक है और मैं अपनी जिंदगी में कोई भी चीज़ रिग्रेट नहीं करता hmm. जो कुछ भी हुआ आए यार, yeah, यार। तो कुछ भी जो प्रोसेस था जाहिर सी बात है हार्ट ब्रेकिंग अप्स एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है ये हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है तो इस चीज़ को भी अगर आप इस तरीके से लें तो आप एज अ पर्सन कितने ग्रो करते हैं आज यहाँ बैठ के मैं आपको बोल रहा हूँ कि एज अ पर्सन मैं कितना ग्रो हुआ हूँ अपने काम में मैंने कितनी इंप्रूवमेंट लेकर आया हूँ क्योंकि अगर तो जो लोग चाहते थे कि मैं उस चीज़ पर एकदम डिसअपॉइंट हो जाता और मैं डिसहार्ट हो जाता और मैं कमरे में अपने आप को बंद कर लेता कि मैं नहीं कर सकता आई कॉन्ट डू इट तो दिस इज वट पीपल वॉन्ट ओ वाह एक सवाल आपसे एक लड़का

जब डायरेक्टली उसको हीरो नहीं मिला हुँ. या बड़ा ड्रामा नहीं मिला जो उस आपने सोचा होगा कि मैं तो एक्टिंग में आऊँगा तो बस मैं तो टॉप मॉडल हूँ ऐसे ही है उस रात नींद आई थी इमरान आई फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बहुत डिफिकल्टीज मैं अपने आप से ये सवाल कर रहा था कि मतलब मतलब क्या होगा मैं, मैं क्या डिजर्व नहीं करता और मैंने मुझे क्यों नहीं वो वाला रोल दिया जा रहा जो कि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ और मैंने इतना काम किया है और जो मैं लगता हूँ और, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है मेरे पास पोर्टफोलियो है जस्ट गिव मी द चांस आप मुझे चांस तो दें वाह ये, ये चांस के लिए जो है ना बस मैं वेट कर रहा था फिर जब मैंने मूवी की थी उसमें जो बाकी सारे लोग थे वो बड़े कंफ्यूज थे कि इस करेक्टर को ये जस्टिफाई कर सकेंगे तो नदीम बेग नदीम बेग साहब यस यस ही टुक अ स्टैंड उन्होंने कहा मुझे पता है और मैं कह रहा हूँ कि ये कर दिखाएगा जब मेरा पहला सीन था एंट्री का मूवी में और आप यकीन नहीं करेंगे फर्स्ट टेक इट वॉज डन पहले टेक में क्या बात क्या बात और नदीम मैंने उठ के ये बोला कि से इस वजह से मैंने जो है वो मैंने बोला था ना मैंने कहा था